Hi everyone. roshan this site from Research In and Out. After pretty long time, I'm doing this market analysis for Bank Nifty and Nifty Fifty. Okay. Because of uh, some reasons, uh, I was not able to upload video. Maybe I'll try to uh, upload frequently. So I'll be doing it from the beginning. i starting se karunga. Okay, sari okay. we have already a lot of uh, pictures we have made. But sari you could delete karke. Okay. I'll delete everything and I'll start from the beginning. That okay, what is the situation of the मार्केट so start, we'll start uh, है यहाँ पे आके थर्टी नाइन थाउजेंड पे आके सपोर्ट ले सकता है वीकली में एंड uh, रही बात रेजिस्टेंस uh, एरिया की तो हमारे लिए फोर्ट Sorry, का लेवल जो होगा होगा। वो हो Then we'll come to daily time frame. हैं देखते हैं कि में में कुछ खिचड़ी है या फिर it's normal। daily time frame में देखा जाए तो एक छोटा सा लेवल हमारा बना हुआ है थर्टी नाइन थाउजेंड सेवन हंड्रेड पे भी एंड फोर्टी थाउजेंड पे एक है ठीक है तो यहां से एक डेली टाइम फ्रेम का मैं ड्रॉ कर लेता हूँ फोर्टी थाउजेंड के आसपास का ठीक है एंड आई वेंज दिस कलर टू लेट्स गो फॉर रेड ये हो गया डेली टाइम फ्रेम का ठीक है फोर आवर्स टाइम फ्रेम में देखते हैं कि मार्केट क्या कहीं पे कोई और सपोर्ट बन सकता है प्रोबेबिलिटी है में नहीं दिख रहा है वैसा कुछ खास वी जस्ट हैव वन ट्रेंड लाइन कमिंग अप जो हमारा एक ट्रेंड लाइन जो बन रहा है जिसका ब्रेकआउट भी आ चुका है ठीक है अगर फोर आवर्स की बात करें तो ट्रेंड लाइन बन गया है अगर आप इसको यहां से भी ले जा सकते हैं तो भी चलेगा करके ठीक है ब्रेकआउट आ चुका है रीटेस्ट नहीं हुआ है इफ वी सी इन वन आवर टाइम फ्रेम में तो वन आवर टाइम फ्रेम में भी ब्रेकआउट रिटेस्ट नहीं हुआ है बिकॉज दिस कैंडल अगर ये मार्केट नीचे जाता तो ये वाला ब्रेक कर सकता था लाइक दिस कुड हैव बीन अ कंप्लीट रेड कैंडल तो शायद चांसेस थे कि भाई मार्केट नीचे जाएगा ठीक है अभी अगेन विल इन आवर टाइम फ्रेम ठीक है अगर लेवल्स ड्रॉ करते हैं तो हमारा एक लेवल यहाँ पे बनता है फोर्टी थाउजेंड सिक्स हंड्रेड जो इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा ये पूरा लेवल हमारे लिए बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा इसका कलर चेंज कर देते हैं हम लोग ठीक है ये हो गया एंड टूवर्ड्स अपसाइड आज का जो डे हाई है ठीक है पर्टिकुलरली ये जो लेवल है फोर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड का ये दोनों लेवल्स को ब्रेक करेगा भी मार्केट में मूव बिटवीन दिस डायरेक्शन फॉर वन था ऑलमोस्ट uh, जो लो बनाया फोर्टी थाउजेंड फोर से लेके आज का जो हाई है

तो यह भी एक नया लो बना इसके बाद अभी तक एक नया लो बना नहीं है पहली चीज दूसरी चीज वी विल ड्रॉ अ ट्रेंड लाइन ठीक है हमने ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर दिया इस तरीके से देर इज नो इशू इन ड्रॉइंग दिस ट्रेंड लाइन अगर हम लोग पंद्रह मिनट की बात करते हैं फॉर इंट्रा डे आई रिमूव दिस वन ठीक ठीक है। है। अगर अगर एक एक आराम अच्छा से खासा हमारा हो गया, है, है? अब आप देखो इसमें कैसे कर सकते हैं। आज एक तो clear trend दिखाया। अगर आपको याद होगा तो मैंने बोला था ये लेवल फोर्टी थाउजेंड फोर्टी वन थाउजेंड के लेवल को ब्रेक करेगा रिटेस्टिंग ऑफ टाइम मार्केट हैड फॉलन इन अप्रोक्सीमेटली टू फिफ्टी पॉइंट के आसपास का फॉल दिया था अगर आप हम इफ वी सी फ्रॉम हियर 200 पॉइंट्स के आसपास का फॉल इट हैज गिवन आवर एम वाज टू गेट ओनली 150 पॉइंट्स ठीक है लेट्स कम बैक एंड समथिंग मोर और थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं हम लोग ठीक है अब देखो ये जो लेवल्स है ये इंपॉर्टेंट लेवल्स है जो काफी uh, मोटे हो चुके हैं ठीक है तो इनको मैं थोड़ा सा और पतला कर दूंगा क्योंकि जो जरूरत है इस लेवल की ठीक है ये पूरे लेवल्स की हमें दो यहाँ पे भी सिक्स हंड्रेड पे भी काफी इंपोर्टेंट uh, लेवल बनेगा छोटा सा ही बनेगा मे बी हो सकता है वो रेंज के लिए बन जाए ठीक है तो वो मैं कर देता हूँ अब देखो अब हमारा प्लान क्या होगा व्हाट वी शुड प्लान ठीक है सो टुडे मार्केट वाज स्टक फ्रॉम फोर्टी वन थाउजेंड सो ऑफ एन बहुत बार फोर्टी वन थाउजेंड पे रुका है मार्केट इतनी बार ठीक है उसको ब्रेक करने के मार्केट मार्ट स्टार्टेड फॉलोइ

भैया अगर वैसे सिचुएशन में है तो मार्केट व्हाट विल हैपन दैट आफ्टर ओपनिंग विद अ ह्यूज गैप गैप डाउन ठीक है क्या होगा मार्केट मान के चलो कि 500 पे ओपन हो गया मार्केट हैज ओपन एट 40500 देन इफ मार्केट इज रिवर्सिंग फ्रॉम हियर अगर मार्केट यहां से रिवर्स करता है जैसे कि आज देखोगे आप तो मार्केट स्टार्टेड रिवर्सिंग वी गॉट द ट्रेड अराउंड दिस लेवल इफ यू विल सी इन फाइव मिनट पे आसपास का हमें ट्रेड मिल गया था ठीक है एक रिवर्सल ट्रेड बन गया यहाँ पे ट्रेड बना टारगेट हमारा यहाँ पे बना ठीक है काफी था आज मिल गया अगर इफ द सेम थिंग इज़ गेटिंग रिपीटेड वी कैन गो फॉर रियली सजेस्ट टू गो फॉर एनी काइंड ऑफ बाई पोजिशन दैट्स माई व्यू ठीक है इसके ऊपर जैसे कि यहां से मान के चलो यहाँ पे छोटा लाइक स्कैल्पिंग पॉसिबल है दस बीस मिनट दस बीस पॉइंट के लिए बट मार्केट कैन गेट स्टॉक ओवर यर तो बेटर ये होगा कि अगर ये लेवल ब्रेक नहीं करता है यहां से ठीक है तो वी कैन प्लान अनदर सेलिंग ऑपरच्युनिटी जितना हो सकता है view हम लोग देख सकते हैं. तो अगर मार्केट ब्रेक करके यहाँ से आता है इफ इट स्टार्ट रिवर्सिंग सो वी कैन लुक फॉर सेलिंग साइड लाइक इन द सेम वे आज जैसा मार्केट ने दिखाया ठीक है एक अच्छी बाइंग ऑपरच्युनिटी इज पॉसिबल ओनली वन फोर्टी वन थाउजेंड टू हंड्रेड लेवल इज ब्रोकन रीटेस्टेड देन उसके बाद तीन सौ पॉइंट के आसपास का मूवमेंट मिलने के चांसेस रहेंगे कि मार्केट जो है अपना uh, इस लेवल पे जा सकता है जो हमारा है फोर्टी वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड ही सिक्स हंड्रेड नहीं तो so, वहां तक मार्केट इट कैन गो ठीक है तो दिस विल बी द प्लान तो ट्राई टू मेक श्योर दैट योर चार्ट प्रिटी क्लीन ये एरो की वजह से अभी गलत uh, गंदा दिखेगा बट अगेन uh, आप चार्ट को क्लीन रखने की कोशिश करो ठीक है तो so, और ज्यादा मजा आएगा ट्रेडिंग में

तो लेट्स गो फॉर फिफ्टी मिनट्स टाइम फ्रेम तो देखा जाए तो भाई सपोर्ट तो बड़े अच्छे पॉइंट पे लिया है ब्रेकआउट यहाँ पे दिया मार्केट यहाँ पे आया तो सिंपल सा बॉस है कल भी ट्रेडिंग वैसे ही होगी अगर इफ लाइक टारगेट विल बी अराउंड टू हंड्रेड फिफ्टीन मिनट्स टाइम फ्रेम में टू हंड्रेड ई पे दिस साइड अगर आपको जाना है फिफ्टी मिनट्स का ब्रेकआउट होता है स्कैल्पिंग के लिए जाओ तो वो बेहतर होगा As as soon as the 200 EMA will get broken, we might get up to uh, 600 हंड्रेड uh, जहां पे भी होगा सौ पॉइंट और नीचे की तरफ मिल सकता है ठीक है Let's go for another one, Nifty फिफ्टी के लिए जाते हैं ठीक है अब निफ्टी फिफ्टी को अगर आप देखोगे तो आज काफी निफ्टी फिफ्टी जो है वो रेंज में रहा ठीक है निफ्टी फिफ्टी आज मार्केट रेंज में रहा है तो आई डिलीट for Nifty फॉर निफ्टी फिफ्टी एज वेल let's गो फॉर वीकली टाइम फ्रेम इन दिस तो अगर हम लोग वीकली टाइम फ्रेम में जाते हैं तो हमारा एक इंपॉर्टेंट लेवल जो बनता है वो ये है ठीक है एंड देन एक अच्छा खासा एक इंपॉर्टेंट लेवल बनेगा आपका सिक्सटीन सेवेंटीन थाउजेंड के आसपास का भी लेवल इंपॉर्टेंट है बहुत सारे लेवल्स इंपॉर्टेंट होंगे ठीक है बट अभी जो नियर बाय है वो उस पर हम लोग फोकस कर सकते हैं ठीक है लेट्स कम टू डेली टाइम फ्रेम अगर हम लोग डेली टाइम फ्रेम में देखें तो वी कैन क्लियरली सी वन थिंग फॉर्मिंग वन टॉप टू टॉप दिस इज द लाइक अ ब्रेकआउट हुआ नहीं है ब्रेकआउट लेवल पे आ सकता है या नहीं भी आ सकता है दैट इज वी वी आर गोइंग टू सी बट दिख तो रहा है कि हो सकता है कि मार्केट एक दूसरे फॉल के लिए मार्केट इज रेडी फॉर एनअर टाइप ऑफ फॉल और क्रैश बिकॉज एज सुन एज दिस विल गिव यू ब्रेकआउट एंड रीटेस्ट इज डन मार्केट विल टच फोर्टीन थाउजेंड वन सेकेंड मार्केट विल टच फोर्टीन थाउजेंड वन है हो सकता है टच हाँ, तो, तो, कम कम, तो करेगा अगर ये पैटर्न काम किया तब ठीक है अगर ब्रेकआउट हो गया तो वी कैन बिकॉज इफ यू सी ओवरऑल द न्यूज ऑफ द मार्केट लाइक रिसेशन मे कम इन ट्वेंटी थ्री

को मैं कंसिडर कर लेता हूँ फोर आवर्स में पूरा का पूरा ठीक है एंड इफ वी सी इन आवर टाइम फ्रेम इज़ वैपनिंग अगर लेट मी रिमूव द इंडिकेटर्स अगर वन आवर में हम लोग देखें तो बॉस uh, इधर कहीं पे देखोगे आप ठीक है तो दिस इज द लेवल वेर मार्केट इज गेटिंग स्टक अगेन एंड अगेन राइट सो वी वी डू अ रीजन फॉर दैट व्हाई मार्केट इज गेटिंग अगेन एंड अगेन ठीक है ये हो गया अब दूसरा चीज आप ध्यान से देखना ठीक है पंद्रह मिनट टाइम फ्रेम पे आ गए ठीक है अब देखा जाए तो हम लोग एनी काइंड ऑफ पैटर्न्स लेट्स ऑल्सो वी कैन सी और वी कैन सीनेट काइंड ऑफ पैटर्न ऑल्सो वी कैन मेक इट अपे लिए इम्पॉर्टेंट क्या है बॉस क्लियरली यहाँ पे सारी चीजें हैं ठीक है हमारे लिए इम्पोर्टेंट क्या हो सकता है इस टाइम पे अगर देखा जाए तो मार्केट जो है इस बीच के रेंज में घूम रहा है दिस इज द रेंज ऑफ द मार्केट राइट ये मार्केट जो आपका है इसी रेंज में घूम रहा है अब ट्रेडिंग तो ऑब्वियसली विल बी डूइंग इट आफ्टर द ब्रेकआउट ऑफ दिस रेंज वीक एंड टूम देर ब्रेकआउट मार्केट विल गो और मार्केट विल कम डाउन साइड कुछ तो होगा ही तो सिंपल थिंग इज दैट वे विल प्लानिंग फॉर दिसन सो डे लो टू डेज लो विलगेट फॉर सेलिंग साइड अगर ये ब्रेक होता है लेट से आज का हाई सिक्स ट्रिपल सिक्स जो है ठीक है इसके बाद से जो हमारा टारगेट बन रहा है ज्यादा ऊपर की तरफ हम लोगों को जो टारगेट मिलेगा ना हम्म अपसाइड टारगेट ठीक है तो हमें वी विल हैव टू वेट फॉर अ ट्रेंड मतलब ब्रेक किया मार्केट नीचे आया इफ इट स्टार्ट्स गोइंग अपसाइड देन वी कैन प्लान फॉर दिस गैप कवरिंग एज वेल गैप कवरिंग का देखा जाए तो लगभग लगभग लग लग लग, दो सौ पॉइंट का है ठीक है दो सौ पॉइंट ना सही डेढ़ सौ लेट से इफ वी आर गेटिंग एंट्री समे नियर टू दिस लेवल सेवन थर्टी फोर के आसपास एंट्री मिली हमने स्टॉप लॉस कुछ चालीस पॉइंट का रखा टारगेट के लिए हम लोग तो कितना सौ पॉइंट के आसपास का रख सकते हैं ठीक है है यार कि देखो सार, जितने भी स्ट्रग रेजिस्टेंस हो वीक रेजिस्टेंस हो एनी थिंग एवरीथिंग इज में मूवमेंट ऑफ द मार्केट कि मार्केट में मूवमेंट कैसा आ रहा है उस दिन मूवमेंट कैसा था उसके अकॉर्डिंग डिपेंड करता है कि मार्केट में अगर अच्छा मूवमेंट आया तो ब्रेक कर देगा नहीं आया तो नहीं करेगा अगर ऐसा होता है कि, market, say, down, अगर open, okay, कि कल मार्केट गिरने के मूड में भाई तो दिस प्लान विल वर्क की जैसी मार्केट लाइक इफ मार्केट इज मेकिंग यू लेट मी शो इट टू यू यहाँ पे ये मार्केट है आपका

We can uh, clearly see that this is making a. You know what is it making now? If you know, please comment in the uh, type in the comment box. So if that breaks, market has a chance that it can go downside. Now let's see what happens tomorrow. But this should be our plan that uh, which we are going to work out for next day which is on uh, tuesday we'll see how the market is respecting the levels and take the trade according to the risk reward ratio minimum risk risk reward ratio you should follow is at least 1 is to 1.5 uh, or prefer 1 is to 2 okay so that's all from my end guys bye take care and see you in next video